डियर स्टूडेंट टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेंडा ट्वेंटी वन एजेंडा ट्वेंटी वन क्या है इट इज़ द डिकलेसन साइन बाई द वर्ल्ड लीडर्स इन नाइनटीन नाइंटी टू इन रियो डि जेनारियो इन ब्राज़ील रियो डिजेनारियो इज द कैपिटल ऑफ द ब्राज़ील ये डिक्लेशन वर्ल्ड लीडर के द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट यू एन सी ई डी विश्ट प्लेस एट रियो डिजील्स ये रियो डिजेनेरियो ब्राजील्स में ये कन्वेंशन हुई थी और 1992 में जिसमें वर्ल्ड लीडर्स ने ये डिक्लेशन साइन किया था इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका जो मेन उद्देश्य था इस कन्वेंशन का इस की जो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से अचीव किया जाए वट व इट इज हाउ द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वी बी अचीव्ड इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बेट एनवायरमेंटल्स डैमेज पॉवर्टी डिजीज फिर ग्लोबल कॉपोरेन्स एंड कॉमन इंटरेस्ट और ये कि एजेंडा hmm. था एक लिस्ट ऑफ आइटम था जिसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व थी जैसे कि हाउ वी कैन कॉम्बैट फ्रॉम द एन्वायरमेंटल्स डैमेज जो इन्वायरमेंटल को नुकसान पहुँचता है हाउ वी कैन कॉम्बैट फ्रॉम दैट हम उससे किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं लड़ाई कर सकते हैं पॉवर्टी से डिजीज बीमारियों से और उसमें जो है नॉट ओनली वन कंट्री बट ऑल कंट्री विल गिव देयर कॉपरेश वाट आर द कॉमन इंटरेस्ट आर देयर म्यूचुअल्स नीड्स एंड ऑल द पीपल्स ऑल द कंट्री विल द रेस्पॉन्सिबिलिटू सब की मतलब आपस की जरूरत थी कि और जो जिम्मेदारी है हाउ दे कुड भी शेयर्ड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा ट्वेंटी जो मेजर ऑब्जेक्टिव था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द एजेंडा ट्वेंटी वन इज दैट एवरी लोकल गर्मेंट शुड ड्रा इट्स ओन लोकल एजेंडा ट्वेंटी वन तो उसका जो मेन एजेंडा था एजेंडा ट्वेंटी वन का उसका जो मेन मोटो था वो ये था कि हर लोकल गौरमेंट जो है ऐसे ही अपने स्तर पर एजेंडा ट्वेंटी वन से ड्रॉ करेगी